हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैंने फर्स्ट लेसन कंप्लीट करवा दिया था और आप लोगों से बोला था अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे आप लोग कमेंट करके बताइए तभी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग के कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे और अब एग्जाम के भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं तो इस वजह से मैंने सोचा मुझे वीडियो मेक करना चाहिए। इनमें आपको पता चलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे आपका सेकेंड लेसन जो है पॉल्यूशन, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने उस फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मैंने कवर करवाए हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम में जरूर ही आना है तो उसे जरूर कवर कर लेना। यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने बताया था आपको और बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि दीदी इंग्लिश में दे दो। तो देखिए मेरे पास इंग्लिश में नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही है ये एनवायरनमेंट की बुक, नहीं तो फिर मैं आपको दे देती, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन रहता है, सभी को पता ही होगा 78%, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इन सभी को एक बार आपको बस रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा रटना नहीं है क्योंकि इसके प्रैक्टिस मैं आपको क्विज जो पोस्ट करती हूँ उससे मैं करवा दूंगी जो इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके कारखाने से कौन सी गैस निकलती, तो CO2, ठीक है, और वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है, हमेशा याद रखना है। और भूकंप जो होता है उसके फादर कौन है, तो उसके फादर है अरस्तु, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की वायु प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है इसको समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कहानी की तरह स्लो करके पढ़ना है, ठीक है, वीडियो को एक बार प्रेस करना है आपको और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक अक्षर नहीं पढ़ाने वाली हूँ और आज इसी वीडियो में मैं पूरी बुक कवर करवाऊंगी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। और इसका PDF अगर आप चाहते हो तो प्लेलिस्ट में मैंने जो लिंक शेयर करी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है प्लेलिस्ट की, तो वहां पे अगर आप जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इसका पूरा PDF कहाँ से मिलेगा, मैंने वहां पे बताया है। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है बताया है, तो उसे जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे पता चल जाएगा, इसलिए आप भी थोड़ा मेहनत करो और हर चीज को समझने की और जानने की कोशिश करो। और उसी के आगे का ये आंसर है, ठीक है, छोटा आंसर है, शॉर्ट है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो ये हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रदूषण से संबंधित हमारे देश में कौन कौन से कानून एक्ट है, ठीक है, तो इनको रीड कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट है 1927 को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है, तो इसको देखो उल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है, 7 इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही उल्टा करके आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे ही करके आप अगर 27 रहेगा तो इंडियन फॉरेस्ट रहेगा और अगर 72 रहेगा तो प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है, ऐसे करके आप समझोगे तो आपको इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके लॉन्ग आंसर की बात की जाए तो ये है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट आगे का दिखाते हैं, उसके आगे का ये रहा आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, कैमरा सेट नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, ये 1974 में है तो इसको यहाँ से ये भी याद हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना छोटा सा ही है, स्मॉल है, होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एयर प्रोटेक्शन कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी ये 1981 में है, 16 मई 1981 में लागू किया गया था। इसी तरह हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट लेसन थर्ड पे, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इनको अंडरलाइन कर रखा है, इजिली आप पढ़ सकते हो खुद, और मेरे बताने से ज्यादा, मेरे बोलने से ज्यादा आप खुद जब वीडियो को प्रेस करके पढ़ोगे ना तो वो आपके माइंड में ज्यादा जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पे कुछ कठिन भी नहीं है कि अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, बस बताना है मुझे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके अभिप्राय, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन बतानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड, और ये रहा इसका आंसर। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार लगातार पूछे गए हैं घुमा घुमा के, ठीक है। तो इसको अगर कंप्लीट कर लोगे, जितना मैं बता रही हूँ, अगर आप इन सभी आंसर्स को कंप्लीट कर लोगे तो एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। मतलब कि अगर आपसे कोई दूसरा इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आप प्रबल हो जाओगे कि आप कुछ भी लिख सकते हो, फेल नहीं होगे। और ये स्ट्रक्चर भी बना देना तो अच्छे नंबर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाया आपके लिए वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इतना पढ़ लोगे, सिर्फ इतना, तो एग्जाम में वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा क्वेश्चन, पूछा गया जल में पाए जाने वाले प्रदूषण का माप विधि, मतलब कि आप कैसे पहचानोगे कि ये वाटर जो है वो गंदा है, ठीक है, उसके गंदेपन से, ठीक है, और उसके कलर से, टेस्ट एंड वाटर ऑर्डर जो आ रहा है, स्मेल आ रही है उससे, ठीक है, और टर्बिटी, ठीक है, ये सब, इन सभी चीजों से आप जानोगे। मतलब कि क्या है, बहुत ईजी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, बस उसी को ध्यान से पढ़ो और जो आपके माइंड में आ रहा है उसे लिख दो, बहुत इजी है। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लगता है वाटर से रिलेटेड, वो सब लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन 4 की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, गैस है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना है। और हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम इतना कैसे पढ़ेंगे, वीडियो को प्रेस करो और फटाफट से एक सांस में पढ़ते जाना है, क्योंकि अब आपको ऐसा पढ़ना है ना कि बस अपने माइंड में इतना ध्यान रखना है कि भाई मुझे आज पढ़ लेना है, इसको दोबारा पलट के नहीं देखना है, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है और ऐसा इसको याद करना है, ऐसा पढ़ना है, क्योंकि आज अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो इसका जो फल होगा आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, और अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो फिर से यही पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से आपको ऐसा ही पढ़ना है कि आज इसको इतना ध्यान से पढ़ना है कि दोबारा नहीं पढ़ना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, और हाँ, आपको चिंता नहीं करनी है, मैं इसके क्विज आपको पोस्ट करती रहूंगी जिससे आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। क्वेश्चन है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, चक्रवात क्या होता है, तो शॉर्ट है, स्ट्रक्चर पढ़ लेना, समझ लेना, और ये लिखना आपको बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा, बस इसको समझने की देरी है, ठीक है आपको, लेकिन इसको समझने के लिए ये पढ़ना जरूरी है, पहले इसको पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। बस इतना सा था इसका आंसर। और हाँ, ये नॉइस वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया है जिसमें समझाया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेसन 9, ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, NCC नेशनल क्रेडिट कोड का गठन, मतलब कब बना था, तो 1948, मैंने किया हुआ है, आपने किया हुआ है क्या NCC? कमेंट नाउ स्टूडेंट्स। और मैंने दिल्ली कैंप भी किया हुआ है, जो दिल्ली कैंप नहीं होता है, 26 जनवरी को। आगे के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, बस एक बार रिवाइज करना है। हेडिंग्स याद रखनी है और सब कुछ आप बहुत ही बेस्ट लिख सकते हो खुद से ही।
हेडिंग से आपको एक वे मिल जाएगा कि लिखना क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सुनामी क्या होता है, और ये स्ट्रक्चर बना दोगे ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट करवाया आपको एनवायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। आप प्रेस करके वीडियो को पढ़ सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे, वहाँ पे वीडियोस देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। और हाँ, एंड में ये रहा एक क्वेश्चन पेपर जिसको मैं आपको दे रही हूँ, पढ़ने के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी हो पाई है। एंड थैंक यू सो मच, मैंने कंप्लीट करवाया एनवायरमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा सिलेबस आपके साथ। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट नाउ।